नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिलड्डू.com। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि हम पहुंच सके आप तक सबसे पहले। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हालत सर्जरी के बाद नाजुक बनी हुई है। किम हाल ही में 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के उत्सव में भी शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई जा रही है। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि वह ब्रेन डेड हो गए हैं। दक्षिण कोरिया की ऑनलाइन साइट के मुताबिक 12 अप्रैल को किम हृदय तथा रक्त वाहिका के संबंधित प्रक्रिया से गुजरे हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि किम जोंग के बाद उत्तर कोरिया का अगला शासक कौन होगा, मगर अब तक ये कहीं से पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनका देहांत हो गया है। अगर किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार होते, अपाहिज होते या उनकी मौत हो जाती है, तो ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के लिए उनकी छोटी बहन किम ओ जोंग को मजबूत संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। किम यो जोंग अपने बड़े भाई के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में जानी जाती है। किम यो जोंग को हाल ही में निर्णय लेने के लिए प्रमुख निकाय में पुनः नियुक्त किया गया था। किम यो सत्तारूढ़ी परिवार की पहली सदस्य है जिन्होंने सियोल की यात्रा की। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग से किम जोंग की मुलाकात के समय भी वह अपने भाई के साथ ही थी। दक्षिण कोरिया के निजी सेजोंग इंस्टीट्यूट में विश्लेषक चियोंग चांग ने कहा कि उत्तर कोरिया में किम यो जोंग के सत्ता पर काबिज होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि किम यो जोंग उत्तर कोरिया की अगली शासक हो सकती है। युवा होने के वजह से उत्तर कोरिया के लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के नए उत्तराधिकारी के रूप में किम जोंग उनके बेटे किम जोंग इल का नाम भी संभावित दावेदार में शामिल है। दक्षिण कोरियाई खुफिया विभाग के अनुसार किम जोंग ने 2009 में पूर्व गायक री सोल जू से शादी की थी। माना जाता है कि उनके 3 बच्चे थे। हालांकि बच्चों के उत्तर कोरिया के शासक बनने में एक समस्या है। दक्षिण कोरियाई के डोंग ए इल्वो अखबार के अनुसार किम जोंग ने अभी तक अपने बच्चों को लेकर के आधिकारिक तौर पर मीडिया में ऐसा ऐलान कोई भी नहीं किया है। यह भी कहा जाता है कि 2010 में तानाशाह की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। उत्तर कोरिया का दौरा करने वाले पूर्व बास्केटबॉल स्टार डेनिस रोडमैन ने 2013 में कहा था कि किम जोंग की जू ए नाम की एक बेटी भी है, मगर अब सवाल यही है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।